गैस अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अभी कमेंट्स लाइक डिसलाइक आप कुछ ही मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक सबसे पहले देखिए, उसके बाद जो करना है कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों अब आपको तो पता है अभी इंडिया का हालत बिल्कुल भी किस दौर पर गुजर रहा है, कितना खराब चल रहा है आपको तो पता है, जो कि ये कोविड-19 को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरा हालत में, मतलब कि आप एक प्रकार कह सकते हैं इंडिया सबसे आगे आप पहुंच चुका है, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे साफ बात कहा जाए तो इंडिया में रूल्स कभी फॉलो होता ही नहीं है, तो आगे तो ऐसे सिचुएशन तो आएगा ही। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप सरकार जो भी आपको सजेशन दे देता है, ऑर्डर करता है कि ये फॉलो करो, वो कलर फॉलो करो, मास्क लगाओ, थोड़ी डिस्टेंस रखो वगैरह वगैरह, वैक्सीन लगाओ, बाहर मत निकलो, बाहर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रहा है तो बाहर निकलो, मास्क पहन कर ही निकलो और दूसरों से कुछ दूरी डिस्टेंस बनाए रखो, ये वगैरह वगैरह तो आपको पता है, ये हर कोई आप सुन सुन के आ रहा है जब से ये सब कोविड-19 को लेके जब से ये शुरुआत हुआ है, तो जैसे ये हर कोई ये मतलब एक कॉमन चीज बन गया लोगों के लिए। तो मान लीजिए आप सरकार की बात भी नहीं सुन रहे, लोगों की बात भी नहीं सुन रहे, आप फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपका परवाह भी नहीं कर रहा, आप खुद के बारे में भी नहीं सोच रहे, आपका कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, हाँ मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस जाना है, मेरा काम है, मुझे मास्क भी नहीं लगना, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं दोस्तों आप बहुत ज्यादा गलत है। दोस्तों ठीक है हम मानते हैं सरकार का बात आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, सरकार का डिसीजन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों की बात, जनता की बात आप नहीं मान रहे, उसका डिसीजन फॉलो नहीं कर रहे, आप खुद को भी आप फॉलो नहीं कर रहे, कम से कम आप अपने परिवार यानी फैमिली के बारे में तो एक बार सोच के देखो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ दोस्तों, प्लीज प्लीज अगर आप खुद के बारे में दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, कम से आप फैमिली परिवार के बारे में तो सोच सकते हैं ना। आप ऐसे रूल फॉलो नहीं करेंगे, बाहर से आएंगे बिना मास्क लगाए कहीं घूमने जा रहे हैं, और घर कहाँ रह रहे हैं आप, अपने फैमिली परिवार के साथ ही तो रह रहे हैं, तो आप वो समस्या किसके साथ होने वाला है, आपका परिवार के साथ ही ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के बारे में तो सोच सकते हैं, मान लीजिए किसी की बात नहीं सुन रहे, सरकार की बात भी नहीं सुन रहे, किसी का रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अपने परिवार के लिए तो ये कर सकते हैं ना, आप सिचुएशन हालात समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है, खुद मेरा भी फैमिली है, मैं भी अभी कोई डिसीजन नहीं है मैं अपने परिवार के साथ मिलने जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मैं भी कहां रहता हूं ये आपको तो सही पता हो या ना हो, अगर पता नहीं है तो ये भी बोल लेता हूं, मैं अभी बोधगया ही रहता हूं, बोधगया में मेरा काम है, कुछ काम पे ही रहता हूं, मेरा फैमिली और नाचल में है कितने दूरी पे, और मैं खुद अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अगर हालात ऐसे बुरी तरह रह रहा है तो मैं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रहूंगा, बस मैं चाहता हूं कि सबका भलाई हो, सुखी हो, कम से कम फैमिली ठीक ठाक हो, मैं यही चाहता हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फैमिली से ही मिलना है, इंपॉर्टेंट ये है परिवार और आप, हर कोई व्यक्ति, हर कोई जनता सुरक्षित रहे, यही इंपॉर्टेंट है। दिन तो बहुत बड़ी लंबे है, बहुत समय है परिवार से मिलने के लिए, और बहुत लंबा दिन है, और आप मतलब कि इसका इंतजार आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखना, आप अपने परिवार के लिए तो बचाव कर सकते हैं ना, दूसरों के लिए तो नहीं, सही। इसीलिए तो दोस्तों हमेशा बाहर निकलिएगा तो मास्क पहनकर निकलिएगा, जब जरूर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में हो, और मास्क पहनकर रहिए, डिस्टेंस दूरी पे रखिए, स्टे होम स्टे सेफ। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस तरह जुड़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो नोटिस के साथ।